Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निमोनिक ट्रिक्स यानी मेमोरी ट्रिक्स, जिससे हम एटॉमिक नंबर्स को याद करेंगे. पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को हम याद करेंगे. ठीक है, पुराने वाले वीडियोस में हमने सारा पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाया था मेमोरी ट्रिक्स के साथ, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और फिर अभी फिलहाल में हमने एफ ब्लॉक का वीडियो भी निकाला है. तो सारा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा अगर वो सारे वीडियोज आप देखें और उन मेमोरी ट्रिक्स को याद करें. ठीक है, इस वाले वीडियो में हम आपको अब एटॉमिक नंबर्स को कैसे याद करेंगे वो ट्रिक सिखाएंगे. तो पहले 30 एटॉमिक नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं, पहले 30 एलिमेंट्स को हम याद करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एटॉमिक जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कैसे प्लेस्ड हैं, किस सीक्वेंस में हम उसको याद करेंगे. तो स्क्रीन पर देखते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो यहां लिखे हुए होते हैं कोई भी एलिमेंट्स के. तो हम जो है अब एटॉमिक नंबर्स फर्स्ट 30 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर्स के याद करेंगे. तो ये सीक्वेंस जो है ऐसे जाता है और हम उनको यहां तक याद कर रहे हैं. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम याद करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू 10 एटॉमिक नंबर्स को याद करेंगे, फिर 11 टू 20, फिर 21 टू 30. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यहां हमने फर्स्ट टू 10, 11 टू 20 और 21 टू 30 ये एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं. ठीक है, हम उनको याद करेंगे. तो यहाँ पर आप इस स्लाइड पे आकर के रेफरेंस ले सकते हैं कि हम कौन से एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं. फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो कि है पार्ट वन, फर्स्ट एटॉमिक नंबर से लेके एटॉमिक नंबर 10, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो याद कर. तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टू 10 एटॉमिक नंबर्स कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. ठीक है, तो उसके लिए हमें याद करना है एक सेंटेंस. उस सेंटेंस को याद करेंगे तो क्रोनोलॉजिकली आपको जो है एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे. सेंटेंस क्या है, हाय हेताली की बेतुकी बकवास को चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाली. क्या किया है, हाय हेताली की बेतुकी बकवास को चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाली. हाय कह रहे हैं, हमें हाय कह के कह रहे हैं कि ये जो है हेताली, उसकी वो बेतुकी बकवास कर रही है फोन पर. तो जो चंदू है लड़का, उसने क्या किया, ऑफिस फाइल्स में उसकी बकवास जो थी उसने नीटली डाली है. ठीक है, इसमें अभी कौन से एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हैं हम यहाँ क्रोनोलॉजिकली देखते हैं सेंटेंस में. हाय का जो एच है दैट इज फॉर हाइड्रोजन, फिर हेताली का हे हीलियम, हेताली का ली फॉर लिथियम, फिर बेतुकी का जो बे है दैट इज फॉर बेरिलियम, बकवास का ब फॉर बोरॉन, फिर को चंदू, चंदू का जो सी है दैट इज फॉर कार्बन, ने का एन है दैट इज फॉर नाइट्रोजन, फिर ऑफिस का ओ दैट इज फॉर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का एफ है और नियॉन का एन ई. ठीक है, हाय हेताली की बेतुकी बकवास चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाली. ठीक है, तो यह है हमारा सेंटेंस. इसमें से हम क्रोनोलॉजिकली एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आप कैसे याद करेंगे, हाय हेताली की बेतुकी बकवास को चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाली. ठीक है, अब आते हैं 11 टू 20 एटॉमिक नंबर, उसको कैसे याद करेंगे. ठीक है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, 11 टू 20 एटॉमिक नंबर्स को याद करेंगे. कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या है, ना मांगू आलसी प्यौन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं. ठीक है, ना मांगू आलसी प्यौन से कैलेंडर, ये जो अरुण है ये किसी काम का नहीं. ठीक है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं सेंटेंस में, ना फॉर सोडियम, मांगू एम जी दैट इज फॉर मैग्नीशियम, फिर आलसी का आल है दैट इज फॉर एल्यूमिनियम, आलसी का सी है दैट इज फॉर सिलिकॉन, फिर पियोन का पी फॉर फॉस्फरस, सल्फर का एस फॉर से, फिर कैलेंडर का जो सी एल है दैट इज फॉर क्लोरीन, फिर अरुण का ए आर दैट इज फॉर आर्गॉन, पोटेशियम का के कुछ के लिए, फिर काम का जो सी ए है दैट इज फॉर कैल्शियम. ठीक है, तो ना मांगू
आल सी पियोन से कैलेंडर अरुण कुछ काम का नहीं. ठीक है, अरुण कुछ काम का नहीं. ना मांगू आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं. तो इस वाले सेंटेंस से हम क्या क्या याद करेंगे? एटॉमिक नंबर्स 11 to 20. अगले स्लाइड में हम एटॉमिक नंबर 21 to 30 को याद करेंगे. ठीक है, एटॉमिक नंबर्स 21 to 30 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. ठीक है, ये वाला जो एटॉमिक नंबर है इसको आप एटॉमिक नंबर्स को उसी तरीके से याद कर सकते हैं जिस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक के इस वाले ग्रुप को याद कर रहे हैं. तो निमोनिक ट्रिक बिल्कुल सेम है. निमोनिक ट्रिक ऐसी है, साइंस टीचर विकास क्राइड, मैन फीस को नहीं कबूल करता, जाने क्यों. ये निमोनिक ट्रिक आपने डी ब्लॉक वाले वीडियो में जरूर सुनी होगी. ये जो है, ये ग्रुप जो है वो सेम ग्रुप है डी ब्लॉक वाला ग्रुप. तो आप जो है एटॉमिक नंबर्स उसी तरीके से भी याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, सेंटेंस क्या है? साइंस टीचर विकास क्राइड, मैन फीस को नहीं कबूल करता, जाने क्यों. तो ये साइंस का टीचर है विकास, तो साइंस टीचर विकास क्राइड, ये फीस को नहीं कबूल करता, जाने क्यों. ठीक है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? एस सी दैट इज फॉर स्कैंडियम साइंस, टीचर का टी दैट इज फॉर टाइटेनियम, विकास का वी फॉर वनेडियम, साइंस टीचर विकास क्राइड, क्राइड का सी आर है फॉर क्रोमियम, फिर मैन फॉर मैंगनीज. ठीक है, मैन फीस को नहीं कबूल करता, जो एफ ई ए दैट इज फॉर आयन. ठीक है, फीस को नहीं कबूल करता. को फॉर कोबाल्ट, नी फॉर निकल, क्यू फॉर कॉपर दैट इज क्यूप्रम, कबूल का क्यू, सी यू क्यू, क्यूप्रम के लिए यानी कि कॉपर के लिए, और जेड एन है फॉर जिंक. ठीक है, साइंस टीचर विकास क्राइड, मैन फीस को नहीं कबूल करता, जाने क्यों. तो इससे आप एटॉमिक नंबर्स याद करेंगे क्रोनोलॉजिकली 21 to 30. ठीक है, तो इससे आपके फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं उसके एटॉमिक नंबर्स आपको याद हो रहे हैं. फर्स्ट 30 एटॉमिक नंबर्स आर क्लियर इफ यू रिमेंबर दीज 3 सेंटेंसेस. आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी एटॉमिक नंबर्स याद करेंगे. हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं कि आपको और एटॉमिक नंबर्स अगर याद करने हैं बाकी एलिमेंट्स के, तो हम उनको जरूर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आशा करती हूँ कि आपने पुराने पीरियोडिक टेबल के सारे वीडियोस देखे हैं. पुराने अगर आपने चारों के चारों वीडियोस जो हैं, एस ब्लॉक का एक वीडियो है, पी ब्लॉक के दो, डी ब्लॉक का एक और एफ ब्लॉक का एक, अगर वो चार वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा. इसके बाद आप ये एटॉमिक नंबर का वीडियो देख करके एटॉमिक नंबर्स को भी याद कर सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं. इसी के साथ आपके सेंटेंसेस और मेमोराइज हो जाएंगे और उसी के साथ आपके पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे. तो टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और सारे वीडियो लेक्चर्स भी देखना ना भूलें. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.